आपने ये तो सुना है कि रावण ने सीता माता का हरण किया है, पर ये बात कम लोग जानते हैं कि एक बार रावण कौशल्या माता का भी हरण कर चुका था। इसी चक्कर में हरण किया था क्योंकि ब्रह्मा से पूछा कि मेरी मृत्यु किससे है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राम से तेरी मृत्यु है, दशरथ जी के पुत्र होंगे कौशल्या के द्वारा। अच्छा, तो रावण सोचा ना कौशल्या रहेगी ना राम होंगे, तो जब राम का दशरथ जी का कौशल्या से विवाह होने की स्थिति थी तब कौशल्या जी का हरण कर दिया था इसने। हरण करके और समुद्र में इनके एक मित्र रहते थे उनके पास पेटी में बंद करके बक्से में और रख दिया था, और दशरथ जी को भी उठाकर उनकी नाव बारात लेकर जा रही थी, तो नाव से जा रहे थे, उस नाव में वशिष्ठ जी और दशरथ जी थे, तो पूरी की पूरी नाव उठा के समुद्र में डाल दिया। पर संयोग ऐसा हुआ कि वो दोनों दशरथ और कौशल्या फिर से समुद्र के किनारे मिल गए। समुद्र की लहरों से वो बक्सा जो जिसमें कौशल्या जी बंद थी, चूंकि लकड़ी का बक्सा था, तो समुद्र की लहरों ने उसे किनारे कर दिया और दशरथ जी की नाव भी किनारे आ गई और दोनों मिल गए। और वशिष्ठ जी ने देखा कि ये तो दशरथ कौशल्या है, अग्नि जलाई और दोनों का विवाह करा दिया। रावण तब तक आया, देखा तो दोनों दुल्हा दुल्हन खड़े, कौन हो? बोले हम दशरथ कौशल्या हैं। रावण ने तलवार निकाली, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तलवार पकड़ ली। रावण, जिस परमात्मा ने तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी इनका विवाह देखो करा दिया, यदि तुम इन्हें मार डालोगे तो अभी एक राम नहीं अनेक राम पैदा होंगे, और अभी तुम मर जाओगे। कुछ दिन और जीवन जीना चाहते हो तो पंगा ना लो। रावण तुरंत वहां से चला गया। तो रावण ने वरदान मांगा, कौशल्या जी को हरण किया, उसका यही विचार था कि राम पैदा ही ना हो, पर उसे कौन समझाए कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु होकर ही रहेगी। इस जीवन का अटल सत्य है कि मृत्यु होकर ही रहेगी। प्रिय भक्तों, रावण अब एक बार मैंने सुना कि रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ जी के कोई संतान ना हो। उस समय दशरथ जी के द्वारा केवल एक बेटी हुई थी माता सुमित्रा के गर्भ से, जिसका नाम था शांता। रावण को पता चला कि बेटी हुई है, तब रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा। हे ब्रह्मा जी, तपस्या करके ऐसा वरदान दो। बोले कैसा? बोले दशरथ जी के कोई बेटा ही ना हो। इसीलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था, वो तो खीर खाने से बेटा हुआ, दशरथ जी से कोई बेटा नहीं था। दशरथ जी से बेटा इसलिए नहीं हुआ, रावण ने वरदान मांगा, इसीलिए वो खीर खाने से बेटा हुआ। यज्ञ किया, गुरु ग्रह गया हूं, तुरंत मही पाला और खीर खाने से बेटा हुआ। तो रावण ने बहुत तिगड़म खेला कि राम ना हो। अच्छा, वो श्रवण को भी इसीलिए मारा कि इनके माता पिता शायद श्राप देकर दशरथ जी को मार डालें, दशरथ जी मर जाएंगे तो हमारा तो कांटा निकल जाएगा। पर हुआ उल्टा, दशरथ जी को पुत्र का और वरदान मिल गया कि पुत्र होगा आपका।